तो जब अपने पैसे होगा तब अच्छे काम। चाची क्या बोली मैडम जी, महान पैसे नहीं गए, पैसे नहीं होगा तो क्या कर पाएगी तुम, कुछ नहीं कर पाएगी ना। ये भी है, जब पैसा है बिल्कुल, पैसा देखो तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। अच्छा तब अर्जुन भाई का लड़का है, नाम क्या है? आरक्षसवाल। अच्छा ये अर्जुन भाई का लड़का है, हमारा भतीजा आरक्षसवाल, सिर्फ यही आज स्कूल आया है। जल्दी से दिखा दो आपको, ये है गाइस हमारा शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर है ना। कैसी हालत हो रखी है इसकी अब, मैं 2001 2002 2003 तक यहीं पढ़ा, देख सकते हैं आप पूरी लालटेन झाड़ी से पूरा भरा हुआ है, अंदर तो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा आपको। यहीं हम पढ़ते थे और हमारी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। हम लोग यहाँ पर खेलते थे, ये हमारा मैदान था जब हाफ टाइम होता था हमारा। गाइस बहुत बहुत बचपन की यादें पूरी ताज़ा हो गई आज यहाँ आके। ये कुछ हमारा स्कूल कैसा हो गया है अब, बिल्कुल बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये चलता रहता तो शायद अच्छा रहता। तो दिखने में दोनों ही सिमिलर हैं। ये है कोणी की बाली, ये झुंघोरे की बाली, सिमिलर है दोनों देखने में, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ 10 बजे से, और अभी मैं जा रहा हूँ माँ के साथ खेतों में कोणी निकालने। कोणी तो आप लोग जानते होंगे, कोणी पक गई है आजकल, और धूप बहुत बढ़िया लगी हुई है आज। आपको मौसम दिखाता हूँ आज का, ये कुछ इस प्रकार आज का मौसम। माँ भी लकड़ियाँ सुखाने के लिए डाल रही हैं, लकड़ियाँ गीली हो गई थी कल बारिश से, कल परसों बारिश थी। ये कुछ इस प्रकार अभी मौसम आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पर बादल लगा हुआ है, धूप तो भयंकर निकली हुई है आज। ये आप देख सकते हैं घर से भी, नीचे हमारा मंदिर है दुर्गा माता का, कितना मस्त लग रहा है गाइस। ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर हमारा अघोरनाथ देवता आप देख पा रहे होंगे, ये अघोरनाथ देवता। तो मिलते हैं आपको सीधा खेतों में कोणी काटते हुए, हम चले खेत की तरफ माँ के साथ, थोड़ा सा घास लाते हैं आज, थोड़ा सा कोणी निकालते हैं, कोणी पक गई है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे, मैं पहुँच गया हूँ अभी खेतों में। ये हमारे खेत दिखाता हूँ आपको, एक ही वाला खेत है, घास कितनी बड़ी बड़ी हो रही है आजकल आप देख सकते हैं, एक ही वाला खेत है। माँ तो पहुँच गई खेत में, ये हो रखी कोणी आजकल पक गई है, और मैं भी कोणी की कटिंग करता हूँ। ये दोस्तों कोणी, नाज भी पक गया है, अगला महीना कटे मां नाज नहीं, अगले महीने नाज भी कट जाएगा। कोणी तो पक गई है पूरी देख सकते हैं, ये झुंगुरू कोणी को आई। अच्छा यू यू जगह इसमें लगा लगे, ये दोस्तों झंगोरा जी वाली बाली है पकी हुई, ये झंगोरा है। कोणी दिखाता हूँ आपको, ये है कोणी माँ ने निकाली हुई। अच्छा यो है कोणी, मैं भी निकालता हूँ माँ के साथ।
देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बालियां हैं। ये देख रहे हो आप कितना मस्त हो रखी है, एकदम पूरी पकी हुई है। दिखने में दोनों ही सिमिलर है। ये है कोणी की बाली, ये झंगोरी की बाली, सिमिलर है दोनों देखने में, आप देख सकते हैं। और ये कुछ खेतों से नजारा, ये ऊपर जो आप देख रहे होंगे हमारा, इधर हम गाय लगाते हैं ऊपर, ये देख सकते हैं आप। अभी बादल लग गया है पूरा, बादल कितने मस्त लग रहे हैं। माँ घास काट रही है अभी। ये है नीचे मार्केट का रास्ता, ये है आंगनवाड़ी स्कूल, ये कुछ इस प्रकार से भी रास्ता है गांव जाने का। कितना मस्त व्यू है गाइस यहाँ से, देख सकते हैं मौसम कितना मस्त हो रखा है। अभी पीछे हमारे खेत हैं, यहाँ पे माँ घास काट रही है और अभी हमने कोणी निकाली। ये कुछ इस प्रकार व्यू गाइस, जब तक माँ घास काटती है मैं तब तक आंगनवाड़ी स्कूल से होके आता हूँ, घूम के आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया मैं वहाँ गया नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए। वहाँ तो नई बिल्डिंग भी बन गई है अब, तो देख के आता हूँ थोड़ा सा कैसा बना है वहाँ पे, दिखाता हूँ आपको आगे। ये रास्ता, ये नीचे मार्केट का रास्ता चले गया और ये आंगनवाड़ी का रास्ता, ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मैं दिखाऊँगा आपको आंगनवाड़ी हमारे गाँव का, अभी बचपन में हम भी यहाँ गए होंगे, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि बचपन का तो कुछ याद नहीं रहता, बट यहाँ पे शिशु मंदिर हुआ करता था पहले, वहाँ का मुझे पूरा याद है क्योंकि मैं शिशु मंदिर से पढ़ा। यहाँ पे झाड़ियाँ देख सकते हैं आप, पूरी रोड पे आ रही हैं। ये है हमारी मैडम जी, पत्थर पर बैठ रखे बिल्कुल व्यू का मजा ले रहे हैं। प्रणाम प्रणाम, ठीक है प्रणाम कर, करते प्रणाम प्रणाम। और दादी क्या बना क्यों मजा लेने लगे हैं, हवा के व्यू के हैं बस एकदम आनंद आनंद। और सुनाओ कुछ, तो जब अपने पैसे होगा तब अच्छे काम। चाचू क्या बोली मैडम जी, महान पैसे नहीं होगा, पैसे नहीं होगा क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी ना। ये भी है, जब पैसा है बिल्कुल, पैसा देखो तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। अच्छा तब तो मेन मैडम गए आज, यहाँ तो यहाँ भर्ती हो जाए, अरे देखो यार हमारी मैडम जी आज आए नहीं, उनकी तबियत खराब हो रही है, एडमिट हो रही है। एडमिट हुए वो क्या मैडम जी, एडमिट हो रही है। अभी कितने बच्चे आ रखे हैं देखा था, ईद भी नहीं गा बच्चे नहीं आ रखे, आठ गाँव में खाए उनकी बेटी हटिया नहीं की दबा ते रविंद्र क्या होता उन दिले जू कि मेरे मां बढ़िया से ही ना। अच्छा उन दिले जो हम दी मदद ले आवे, अच्छा खा लिया वो तो घर चले गए बल। और अब मैं दिखाता हूँ आपको आंगनवाड़ी के अंदर का दृश्य, वो पुराना आंगनवाड़ी है हमारे पीछे दिख रहा होगा, और नया आंगनवाड़ी बना है ये वाला, पूरा झाड़ियों से ढका हुआ है अंदर, तो दिखाता हूँ आपको अंदर से दृश्य। चलो दादी चले चले चले, दादी जी आज एक्सप्लोर करेंगे हमें आंगनवाड़ी, नया वाला आंगनवाड़ी। ये बहुत बढ़िया काम किया है किसी ने, यहाँ पे लगाया है देवदार का वृक्ष, देवदार का वृक्ष है, बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि जितने देवदार के वृक्ष होंगे उतना ठंडा होगा और पर्यावरण उतना शुद्ध होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो चीड़ी चीड़ के वृक्ष ज़्यादा। ये है आंगनबाड़ी का दृश्य। मैं आज पता नहीं कितने सालों बाद आ रहा हूँ इस बिल्डिंग में, आज पहली बार आ रहा हूँ, तो दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। ये है कुछ यहाँ बच्चों के खिलौने पड़े हुए आप देख सकते हैं, और ये है नया आंगनबाड़ी। ये है कुछ अंदर से इसका व्यू। ये बच्चों के खिलौने, पता नहीं क्या क्या है। दोस्तों आपने देखा ये नया आंगनबाड़ी बिल्डिंग बनी, नया मतलब मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। कच्छालो ही दादी बने, कच्छालो एक बने, तीन साल मतलब 2020 में बन गया है। और ये पुराना आंगनबाड़ी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, हम यहाँ आए हैं जब हम छोटे थे यहाँ। ये है कुछ पुराने आंगनबाड़ी के अंदर का दृश्य, ये सभी के गाँव में होगा। ना ना रंदी 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 बिल्ली भाग गई। ये पुराना आंगनबाड़ी, हम लोग यहीं बैठा करते थे नीचे जब यहाँ आते थे, शिशु मंदिर में पढ़ते थे जब, हम भी यहाँ आते थे खेलने बच्चों के साथ। हम लोग तो उस टाइम दूसरी तीसरी क्लास में थे, बट ये कुछ आप एकदम ताज़ा हो गया गाइस यहाँ आके, बहुत मस्त लग रहा है आप देख सकते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार। हम बचपन में इन पर चढ़ते थे, ये वाले जो खम्भे इन पर चढ़ते थे और ऊपर चिनक मारते थे। मैं तो बचपन में यहाँ पर चढ़ता था बीच वाले पे, यहाँ पे चिनक मारता था मैं ऊपर। तो मिलते हैं आपको शिशु मंदिर में, शिशु मंदिर का दृश्य दिखाता हूँ। कितने बच्चा दादी है आंगनबाड़ी में? 8 बच्चे हैं टोटल आंगनबाड़ी में, अभी सिर्फ 8 बच्चे हैं आंगनबाड़ी में, जिनमें से आज सिर्फ ये आई है, अर्जुन भाई का लड़का है। नाम क्या है? आरक्ष छसवाल। अच्छा, ये अर्जुन भाई का लड़का है हमारा भतीजा आरक्ष छसवाल। सिर्फ ये आज स्कूल आया है। अब मैं दिखाऊंगा आपको शिशु मंदिर का दृश्य कुछ। पहले यहाँ से रास्ता हुआ करता था, आप झाड़ी देख सकते हैं लालटेन, ये पता नहीं कहाँ से ये झाड़ी आई यहाँ पे, ये पूरी फैल गई है यहाँ पे। जल्दी से दिखाता हूँ आपको, ये है गाइस हमारा शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर है ना। कैसी हालत हो रखी है इसकी अब, मैं 2001 2002 2003 तक यहीं पढ़ा, देख सकते हैं आप पूरी लालटेन झाड़ी से पूरा भरा हुआ है। अंदर तो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा आपको, यहीं हम पढ़ते थे और हमारी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। हम लोग यहाँ पे खेलते थे, ये हमारा मैदान था जब हाफ टाइम होता था हमारा। गाइस बहुत बहुत बचपन की यादें पूरी ताज़ा हो गई आज यहाँ आके। ये कुछ हमारा स्कूल कैसा हो गया अब, बिल्कुल बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये चलता रहता तो शायद अच्छा रहता। तो कराया बुरा भी लग रहा है बहुत, क्योंकि जिस स्कूल से हम पढ़े हैं वो स्कूल आज के डेट में खंडर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग शहरों की तरफ जाने लगे और सभी लोग इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे नहीं हुए शायद, इस वजह से स्कूल बंद हो गया था। और मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या रीज़न था स्कूल बंद हुआ। और अभी मैं चलता हूँ क्योंकि मम्मी भी आवाज़ मारने लगी है। और गाइस माँ तो चलेगी घास लेके, पहुँच गया हूँ गाइस घर पे, और पसीना भी काफ़ी हो गया, धूप तो नहीं है अभी, गर्मी काफ़ी हो गई है। मिलते हैं आपको अभी। हेलो गाइस गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 6 और अभी हो रहा है मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम, और मौसम आप देख सकते हैं कैसा है। ये है अभी का मौसम, और अभी कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज। मैं कोर एक्सरसाइज करता हूँ, दिखाता हूँ आपको गाइस, अभी थोड़ा बॉडी वार्म अप कर लेते हैं रस्सी कूद से। बॉडी वार्म अप हो गई, इस बात करेंगे थोड़ा सा पुशअप।
हेलो गाइस, एक्सरसाइज भी हो गई है कंप्लीट और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, राधे राधे।